अब कह तो अपने जो इंदर सैन है भाई जी उसे मनाना चाह रहे जी बिल्कुल इंदर सैन पर लगभग और नाणवा खड़लाना और इसकी सीम पे यहाँ 30 के किलोमीटर बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी और बहुत बहुमत पूरे बहुमत से आएगी। चौधरी साहब इंदर सैन जी समाजवादी पार्टी ज्यादा परेशान है कार की सब कमाई खा इस पैसे चुवाई है भाई रात में दिन में सांप खा लो चोर खा लो खरपाली लग जाओ नशा लग जाओ इससे दुखी कोई इंदर सैन समाजवादी अब की बार तो जी अखिलेश यादव ने पहली बार भी हम लोगों ने देखा है और ये तो बोलते हैं अब ये सब जो है अभी ये इसे छोड़ गए बीजेपी में नए नेता हैं सब जो गए हुए ये बोल रहे हैं सब बीजेपी में अब नए नेता हैं पहले ये लक्षण आवे भारत और पाकिस्तान का चीन चांद का यो अड़ जा करता है पता नहीं क्या कर रहे हैं और ये रब जी नहीं जाने स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया देख रहे हैं आप मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण हर रोज़ बदल रहे हैं इधर से उधर का दौर पूरी तरह से चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं गंगो विधानसभा के गांव डुब्बर किशनपुर में। यहां का आम मतदाता क्या चाहता है और यहां का मतदाता क्या पिछली सरकार से खुश है? किसान हैं अधिकतर किसान हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक एक करके जानकारी लेंगे कि अब की बार जो आने वाला चुनाव होने जा रहा है ये किस मुद्दे पर होगा, क्या मेन मुद्दे हैं और यहाँ किसको आप अपना मत देने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह है जी। विक्रम सिंह, पिछले 5 साल की सरकार पूरी हो गई जी। योगी आदित्यनाथ के रूप में सरकार चली, आप एक किसान होंगे, कैसी सरकार रही? देखो किसान के हक में तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये विकास किसान के हिसाब में विकास नहीं है, ये विनाश है। क्यों विनाश, किस रूप में विनाश? हाँ जी, हर चीज़ महंगाई है। आप ये लगाओ लाइन में लग के तो सुबह कार्ड जमा करेंगे, गंगा से सटी है हमारी तो खाद 11-12 बजे मिलेगा, वही 2 घंटे आधे आवे कर ली। अच्छा, ये खाद कहाँ जाएगी? तो फिर ये किसान की नाराजगी क्या करेगी अब की बार? मैं गंगो विधानसभा के रूप में पूछ जी जी, अब कह तो अपने जो इंद्र सैन है भाई जी इसे मनाना चाह रहे जी बिल्कुल। चलिए, क्या लगता है अब की बार गंगो विधानसभा में? एक तरफ चौधरी किरत सिंह है और ये भी गुज्जर बहुल्य गांव है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चौधरी किरत सिंह है, समाजवादी पार्टी की तरफ से चौधरी इंदर सैन पर लगभग मोहर इंदर सैन के। अच्छा, क्यों है ऐसा, क्यों इंदर सैन को आप वोट देते हैं? इंदर सैन के दे हम तो। अच्छा, उन्हीं के देते हैं। चलिए, एक भाई साहब है, हाँ क्या लगता है अब की बार? योगी की सरकार है जी, योगी सरकार अब की बार, एक बार फिर योगी सरकार। अच्छा, क्या लगता है, नमक मिर्च हल्दी या दाल चीनी चावल कुछ लेके आते होंगे, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो चलती रहा, हल्दी गलती तो सारी। मजदूरी कितनी मिलती है दिन में? मजदूरी तो बतेरी मिलो जाए, 5-4 हज़ार रुपये। कितने? 5-4 हज़ार मिलते। आपको रिफंड के रेट का पता है क्या है? मैं रिफंड खाता तो नहीं कभी। क्या करते हो? मैं तो देसी घी खाऊ। सवाल ये है हमारा, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई नहीं है, कुछ भी चलती रहे तो थोड़ी बहुत। महंगाई है? हाँ जी महंगाई है। ये भाई बता रहा महंगाई नहीं, महंगाई पूरी है। क्या योगी सरकार ने जितने कार्य किया ये बिल्कुल आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट है जी। महंगाई बढ़ी? महंगाई तो हो भी जाए जी, कोई नहीं। क्यों, वजह? वजह जब पब्लिक भी तो ज़्यादा हो रही जी, महंगाई नहीं होगी और क्या करोगा, पूरा कहाँ तो पड़ेंगे सरकार। अच्छा, मतलब ये महंगाई जो पब्लिक बढ़ी इसकी वजह से? हाँ, इसकी वजह से भी। जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया उसके लिए भी? उसके वो भी ठीक है जी। आपके परिवार में कितने लोग हैं? आपके परिवार में कितने? 4 भाई हैं जी। आपके परिवार में 4 भाई हैं, आप जिम्मेदार होंगे अपने घर के। अच्छा, रिफाइंड का रेट क्या है? रिफाइंड तो खाते ही नहीं जी कभी। क्या क्या खाते हो? अपना घर का तेल खा ले जी। सरसों तेल, सरसों तेल का रेट क्या है? हमें नहीं पता जी, हमारा तो घर का हो जाए, हमारे घर ही हो जाए जी वो तो। नहीं, रेट क्या है मार्केट में, रेट क्या है? हमें नहीं पता जी, नहीं पता। पहले 100 रुपये लीटर की बोतल आती है। चलिए, पेट्रोल बता दो क्या रेट है? पेट्रोल होगा जी, मैं चलाता ही नहीं कम जी, मैंने मोटरसाइकिल है जी। चलो, डीजल बता दो क्या रेट है? डीजल होगा 80-85 रुपये लीटर होगा। पहले क्या रेट था? एक मिनट से भी भाई चुप रहे, होगा जी थोड़ा घना कम होगा, थोड़ा घना। पहले क्या लगता है 2022 में समाजवादी पार्टी इस वक्त पूरे जोश खरोश के साथ मैदान में है, क्या ज़्यादा हतोत्साहित हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसा समीकरण बन रहा है अब की बार? नहीं, ऐसा कोई समीकरण नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट आवेगी और बहुत बहुमत पूरे बहुमत से आवेगी। भागदौड़ पूरी मची हुई है बीजेपी में, समाजवादी पार्टी में रास्ते बंद कर दिए गए, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बोल दिया अब कोई विधायक आए हम यहाँ रास्ते बंद।
तो ये क्या कारण था कि सभी विधायक पूरे भाग भाग दौड़ तो ऐसी चलती रहे। जिसके जिन्हें टिकट कटने का डर था वो समाजवादी की तरफ चले गए, जो जो अपने टिकट से संतुष्ट थे वह बीजेपी में है जी। तो मतलब आप मान के चलने की भारतीय जनता पार्टी के रूप में सरकार बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बनेगी और आने वाली 11 तारीख में योगी जी दोबारा शपथ लेंगे। योगी जी को मथुरा से हटाकर गोरखपुर भेज दिया, ये क्या कारण है? ये तो पार्टी का मामला है, ये तो आदमी ये चाहे भाई अब मैं क्या करूं। वहां से ये भी तो आरोप लगा कि योजनाओं का नाम बदल बदल के रिवन यानी जो है उद्घाटन किए गए। किसी का मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब देखो किसी का कोई रिवन नहीं कटा आज तक। जो काम बीजेपी ने करा आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं करा। डायल 100 से 112 क्यों हो गई? डायल 100 से 112 उन्होंने कर दिया, उनका अपना है वो अपने गवर्नमेंट में। नहीं, अगर उसके बराबर में कोई और योजना लाई जाती है किसी और के रूप में काम के लिए, ये नियुक्ति किसके द्वारा रखी गई? डायल 100 की, डायल 100 की हम मानते हैं अखिलेश ने दी हम 102 एम्बुलेंस 102 108 दी, गवर्नमेंट नहीं थी क्या उसकी? उन्होंने भी ये तीन काम कर दिए थे। फिर बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी ने सुशासन दिया उत्तर प्रदेश को, प्रदेश एक मिनट या तो मेरी सुन लो या इनकी सुन लो। चलिए आप हाँ हाँ बिल्कुल एक मिनट बता रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार चल रही, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है और इतनी अच्छी रही इस सरकार में कि लखीमपुर खीरी में काशकार चिकल दिए सरकार के मंत्रियों ने और उन्हें बर्खास्त तक नहीं हुए आज तक। और जी लखीमपुर खीरी रख गए और इसमें प्रमुखी का पर्चा भरने के लिए दो महिला जाए थी, एक कैंडिडेट थी और एक उसकी प्रस्तावक, उनकी साड़ी खींच के नंगी कर दी गई। महिलाओं का भी बहुत सम्मान करते हैं ये, हाथरस में अलग से बलात्कार होता है और आगरा वगैरह और जगह जगह आप अखबार और टीवी देखते ही होंगे सभी भाई। तो बहुत अच्छा सुशासन है, महिलाओं का बहुत सम्मान है और विकास के बारे में भाई साहब भी नेताजी हैं इसके बीजेपी के। हमारे गाँव के चारों तरफ जितनी सड़कें जाएँ सब में कोई गड्ढा नहीं है, ना खड़लाने जाने वाली में है ना दूधला जाने वाली में। लखीमपुर खीरी का भी जिक्र किया, उसका जवाब दे दे। लखीमपुर खीरी में देखो ये जो घटना है घटना घट गई मानते हैं, लेकिन उसमें जिसने घटना घटाई है वो ही जेल जाएगा। उसके पिताजी की क्या कथा है उसमें? उसके पिताजी क्या कथा? उससे पहले उनका एक बयान वायरल हुआ था, इस वजह से विपक्ष बोल रहा है। देखो मेरी बात सुनो आप, थोड़ा सा दूरी बना ले। उसके लड़के ने वो किया, वो निकट का आया जांच ने उसका नाम लिया, वो जेल में है, उसके साथी जेल में है। अरे 120 बी का मुलजिम तो वो भी बैठे है, उसने साजिश रची, साजिश करता है, प्लान बनाई उसने, अब मैं यहाँ पर रहूंगा आप जाएगा वहाँ मार दो किसानों ने। पहले तो महंगाई की बात बताऊँ, जैसा भाई साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा, और हम हैं काशकार, इनका अगर हम सिरसों का तेल दुकान पर लेने जाएंगे, चलो पैदा नहीं करते, लेना भी पड़ेगा, मजदूरों ने तो लेना ही लेना। पहले 100 रुपये किलो था, अब 200 रुपये किलो, 100 रुपये किलो बढ़ गए। काशकार के साथ मजदूर लगे हुए, मजदूरी उनकी जीप बढ़ेगी जी, अब मेरी आमदनी बढ़ेगी। गन्ने का रेट 5 साल में 25 पैसे किलो बढ़िया, और तेल का रेट 1 साल में ही, पिछले साल तो 1.5 साल तो रो रही, मतलब 100 रुपये किलो बढ़ गया। वो तो 100 रुपये किलो लेना पड़ेगा, गन्ना 25 पैसे किलो बढ़ गया। 14 दिन में वादा करके आई थी सरकार पेमेंट देंगे, 14 दिन का भी ब्याज देंगे प्लस में, 14 महीने में बिना ब्याज के भी अगर पेमेंट मिल जाए तो कमीनत है। और खासकर सरकारी जितने मिल हैं उनका तो बदाल है, प्राइवेट वाला चाहे कुछ पहले बाद में दे भी दो, कहीं वो भी नहीं देते होंगे। क्या दिमाग में क्या चल रहा है इस बार? दिमाग में यू है किसान सम्मान निधि की बात यह है कि मेरी तो आज लो आई नहीं, और ऐसे गाँव में लगभग 50 आदमी मिल जाएंगे, 100 तो मैं फिलहाल भी जिनकी नहीं आई, चलो आकर रुक गई हो तो किसी कारणवश कोई कमी भी हो जाए भाई त्रुटि होगी, लेकिन 50-100 तो ऐसे मिल जाएंगे जिनकी नहीं आई। दिमाग में यू चल रहा कि इस बार अखिलेश की सरकार होगी और इन भाई हैं, भाई साहब तो चलो नेताजी, हम तो वैसे ही हैं बिना नेताजी, हमें अपनी खेती का तजर्बा है, हम उसका पता कद उसमें बीज पड़ेगा, कद उसमें खाद पड़ेगा, कद उसमें दवाई पड़ेगी। नेताओं की खेती है राजनीति और उन्हें इलेक्शन लड़ना, इन्होंने उसका आभास हो जाएगा भाई इसमें दवा पड़ेगी, इसमें पानी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। भाजपा से जो टूट का दर दलो तो टूट टूट जा रहे, वो मलाई खावे हैं नेता तो सारे ही, जब हमारा बन जो चाहे तेरा बन जो सबकी मलाई है, तनख्वाही इतनी, पहली बात तो उनकी तनख्वाही इतनी है उन्हें उसी में मजे, TA-DA मिले हैं जो MP-MLA हैं, वह टूट के इस वजह से जा रहे, उन्हें पहले ही दिख रहा अखिलेश जा रहा
हम यहाँ बैठे रहे तो कोरे रहे जो के सरकार में तो बड़ी जो नेताजी बता रहे हैं कि नेताजी बता रहे हैं कुछ भी बताएं बीजेपी 150 पार नहीं करती, 150 अंडर रहनी और समाजवादी 250 से ऊपर जानी। चलिए बाकी और कुछ भी करेगा हम ज्यादा तो बस एक लाइन में। भाई साहब का नाम क्या है? हसीन अहमद है जी मेरा नाम। क्या लगता है अभी की बार, कौन से गांव से आप? बिलासपुर से हूं जी मैं। बिलासपुर से? अच्छा, क्या लगता है अभी की बार गंगो विधानसभा? जी मजदूर तबका जितना भी है ना वो किसानों से जुड़ा हुआ हमारे देश में, कृषि प्रधान देश है भारत। अगर सभी किसान खड़े हैं यहाँ, इनके पास पैसा नहीं होगा, हम दिहाड़ी करें जी, मेरा पेंटिंग का काम है। जब इन पे पैसे नहीं हो गए हमें काम पे कौन लगा रहा बताओ? मेहनत मजदूरी करते हैं, पेंट का काम करते हैं। जी जी पेंट का। मैं चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लगता है गंगो विधानसभा में? अजीत चौधरी साहब होंगे, इंद्र सैन जी समाजवादी पार्टी जी जी। अच्छा क्यों भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे क्या कमी थी? बस एक लाइन में। अजी बस ये यही है मेरी तो देखभाल पूछ परी जो भी है, हम तो इनसे मिले हुए हैं दूर के ही, पहले थे जुड़े हैं भी। चलिए एक बुजुर्ग हैं, क्या लगता है अब की बार गंगो विधानसभा में? हम तो वोट से देंगे जी इसका, इंद्र सैन का। अच्छा और लगे नू भाई बाबू जी बात जो है, काश्तकार ज्यादा परेशान है, काश्तकार की सब कमाई खवे और इस भाई जी तुआई है भाई, रात ने दिन में सांप खा लो, चोर खा लो, खरपाली लग जाओ, नशा लग जाओ, इससे दुखी कोई नहीं है, इसे ना तो मिल रहा टाइम पर तेल, सारा कुछ मिल रहा भाजपा ने बता रहे सब कुछ मिल रहा, नहीं मिल नहीं रहा बताओ जाओ अभी बता रहे थे। अरे सब बता, कुछ बताओ ना बताओ, तुम्हारा बच्चा ही बता रहा है, बताने का कोई सहारा लग रहा बाबू जी, बताने का कोई सहारा लग रहा, जिसका देखो क्या कह रहा, सब कुछ मिल रहा है, जिसका जिसका पीट हो गई वही रोवेगा। ये दो तो रहे किंगन करे किंगन करे किंगन करे दो तो रहे सही रहे। क्या लगता है गंगो विधानसभा में? एक भाई साहब जी, इंदर सैन समाजवादी पार्टी। हाँ जी। अच्छा ऐसा क्यों, क्या कारण है जी? महंगाई ने मार दी, किरत सिंह का थोड़ा सा कार्यकाल अच्छा रहा है? बहुत बढ़िया रहा, 3 साल में सड़क बनी है, देख कितनी बढ़िया बन रही, देख भी होगी तेरे गाँव से हो रहा है। तंज कस रहे या बता रहे? तंज कस रहे हो बता रहे हो? नहीं तन तो कस नहीं, मगर तम भी देख लिए जाते है। अच्छी बनी सड़क बन रही? अच्छी बनी। हाँ ट्रक एकदम ट्रक पलट गया था, फिर जो है गाड़ी तंज कस रहे हो? नहीं तन तो नहीं कस रहा, मैं सड़क के बारे में बता रहा, यहाँ पलट गया था। क्या कर रहे हैं अब की बार विधानसभा? इंदर सैन जीतेगा, अरे क्लेश के वोट देंगे। हाँ जी क्या लग रहा है जी अब की बार? तो जी अगले सरकार आने वाली हो रही है। लगातार एक बयान देते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी है उनके बिजली का जो प्लांट है उसका नाम भी लेना नहीं आता, ये क्या कारण है? ये कारण क्या है तो राजनीति एक दूसरे पे तंज कसना ही है ना। नहीं वो तो बाकायदा अपने दावे के साथ कहते हैं कि इस बिजली के प्लांट का जो मैंने बनाया इसका नाम लेकर दिखाओ। नाम लेके क्या दिखावे, तो एक दूसरा दूसरे ने तो भी कहा लैपटॉप नहीं चलाना आता। क्या अलग अलग राय है आपकी, क्या राय है इसमें? मेरी राय तो ये है जो अच्छे काम कर रहा है उसको याद किया जाएगा, अच्छे काम करे अखिलेश यादव ने पहली बार भी हम सब ने देखा है, और ये तो बोलते हैं अब ये सब जो है अभी गए इसे छोड़ के, बीजेपी में नए नेता हैं सब जो गए हुए बोल रहे हैं, ये बोल रहे ना सब बीजेपी में अब नए नए नेता हैं, पहले ये यही थे सब। अच्छा और इनकी बताऊंगा ये कहना जो उनको चोरी नहीं होती, चोरी क्यों होती भाई? मारे तो 50 KV कट गए सीम पर लेकर खड़लाना की सीम से लेकर दौर तक चले कोलाखड़ी बाग में, सड़कों की बदहाल है। बताइए एक बात बताओ कौन सी सड़क इन्होंने तैयार करवा दी? जैसे झूठ बोल रहे ये अखिलेश के राज में नहीं हुई थी सड़क, ये तो जल्लाबाद गंगो बनी, ये अखिलेश के राज में नहीं बनी हुई थी क्या? इन्हें बनाई क्या बच्चों? इन्हें झूठ बोल रहे। अच्छा जैसे हमारे गाँव के हैं क्या सुविधा दे रखी गाँव में? गाँव के अंदर हमारा बीजेपी का नेता ना विधायक ना MP बनने के बाद में ना हुआ है। आपकी बार क्या लगता है? अब की बार हम ऐसा ढूंढने हैं जो हमारे गांव से संपर्क करता हो और प्यार करता हो और लगाव रखता हो। ऐसा कौन है? ऐसा हमारे यहाँ इंदर सैन है, इंदर सैन से देख। पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। क्या पढ़ाई करते हैं? मैं BA कर लिया, MA में है। क्या इरादा है आगे के लिए? आगे के लिए स्टडी करूंगा, आगे मेरा एम है, मैं उसके बारे में सोच सरकार ने नौकरी दी होने के बाद नौकरी देगी, जब मैं उसके लिए तैयार होऊंगा तभी तो नौकरी देगी। लड़कों की उम्र निकल गई उनके बारे में कहेंगे कुछ? उनके बारे में क्या हूँ मैं? अपने फेरता फिर जी पोचा फेर रहे हम BA करके तो क्या कर सके इन, वो तो बात ठीक है, पढ़ाई करना सब कुछ है, कंपटीशन है, कंपटीशन में इतना पढ़ना पड़ेगा जो उम्मीद है कि मेरी नौकरी लगेगी। हाँ उम्मीद है अगर मैं पारसमणि। पारसमणि क्या काम करते हैं आप? भाई मैं BSc माइक्रोबायोलॉजी तो था, मैं बीमार हूँ घर बैठा। अच्छा सरकार पूरी होगी बीजेपी की नई की तैयारी हो रही, क्या लगता है दो लाइन में बस? भाई आप एक बात बताओ, पहले ये कार्ड बने थे बीमार आदमियों के लिए, आयुष्मान कार्ड, मेरा आज तक किसी ने भी कोई कार्ड नहीं बनवाया। अच्छा किसी ने भी कभी मुझे कोई क्या रहेगा अब की बार? अब की बार भाई देखो मैं नौकरी भी कर रहा था, वो छूट गई थी बीमारी की वजह से, मुझे लीवर डैमेज हो गया मेरा, तो जी उसमें मुझे कोई लाभ नहीं मिला, जहाँ जहाँ भी मैं गया
सब ने किसी ने 5,000 मांगे, किसी ने टाइम टू टाइम कुछ मांगा, तो ये कह रहे भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आप एक बहुत हो जो काम देश में ऊपर तक फ्री चल गया और नीचे तबका आदमी कोई भी भाई कंप्यूटर वाला है चाहे कोई भी है वो मान लीजिए जब वो पैसे मांग रहा तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो गया। दूसरी बात जब भी कभी इलेक्शन आवे भारत और पाकिस्तान का और चीन चान का यो अड़जा करता है पता नहीं क्या करें और ये रब जी नहीं जाने नू बताओ क्या कहेंगे अग जी पाकिस्तान में यह चीज महंगाई होगी भुखमरी आएगी टमाटर फूट गए अरे वहां सवरा चाहे कुछ भी हो जो हमें तो यहाँ चाहिए। समझो मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल भाई आप झाड़वन से बिलोंग करते हो वहां पे कोई प्रधान योजना दे रहा वो आपको ही तो मिलेगी उसका सूखा आपको ही तो मिलेगा हमें थोड़ी मिल जाएगा हमें तो पाकिस्तान का क्या लेना। अरे पाकिस्तान सवरे जी भी हमें नेता बनाए दिए प्रधानमंत्री बनाए दिए ये बात करो हाँ जनता का क्या विरोध है उसमें जनता का क्या समस्या है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तभी ये मुद्दा खड़ा होता है हमेशा। अब देख लो आगे जी आना थोड़ा सा टाइम अच्छा हिंदू मुस्लिम सिस्टम कर देंगे उसे।